am Pooja Nikam from Vaishnav Institute of Science. I am going to explain on the topic of footprint impression. इस टॉपिक के अंदर मैं आपसे कुछ डिस्कस करने वाली हूँ जो कि रिलेटेड है नेचर ऑफ फुटप्रिंट से, लोकेशन ऑफ फुटप्रिंट, इम्प्रेशन इन इम्प्रेशन एविडेंस, कैटेगरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ फुटप्रिंट्स। सो फुटप्रिंट्स होते क्या है? फुटप्रिंट्स आर द इम्प्रेशन और इमेजेस लेफ्ट बिहाइंड द पर्सन वॉकिंग रनिंग। फुटप्रिंट इज अ जनरल टर्म यूज फॉर द बेयर फुटप्रिंट्स और शू प्रिंट इम्प्रेशन। फुटप्रिंट्स ऐसे प्रिंट्स होते हैं जो किसी के चलने से, दौड़ने से, उसके खड़े होने से जो इम्प्रेशन आता है उसको बोलते हैं फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स लगभग 40% ऑफ द क्राइम सीन्स पे अपने को मिलते हैं। फुटप्रिंट ऐसे प्रिंट होते हैं जो कि किसी कल्प्रिट, सस्पेक्ट या विक्टिम के क्राइम सीन पर होने का इंडिकेशन देते हैं। ये लगभग 50% ऑफ ह्यूमन हाइट के लेंथ के अकॉर्डिंग 15% होते हैं। इसके अब हम लोकेशन और नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। द इम्प्रेशन और द इम्प्रेशन ऑफ फुटप्रिंट में बी कॉज्ड इन मड, डस्ट, सैंड एंड स्नो लाइक सब्सटेंसेस। ये फुटप्रिंट्स डस्ट, उसके स्नो, मड, इनके इन सब के कॉन्टैक्ट में आने से शू प्रिंट्स या फिर फुटप्रिंट्स के किसी सरफेस के कॉन्टैक्ट में आने में ये प्रिंट्स होते हैं। फिर ये प्रोड्यूस होते हैं किसी मटेरियल के डिपॉजिट होने पे, डस्ट, ऑयल या फिर ब्लड के कॉन्टैक्ट के आने में ये प्रोड्यूस होते हैं। प्रोड्यूस इन लिक्विड ऑल्सो। लोकेशन कहाँ कहाँ पर अपन को ये फुटप्रिंट मिल सकते हैं? क्राइम सीन के आसपास मिल सकते हैं, और कल्प्रिट के एंट्रेंस और एग्जिट होने के टाइम पे, गेट, डोर के आसपास अपन को ये फुटप्रिंट्स मिल सकते हैं। और कल्प्रिट का प्लानिंग एक्शन कि वो करना क्या चाहता था, वहाँ पर किस डायरेक्शन में मूव हुआ था, इसके बारे में हम पता कर सकते हैं कि वो कहाँ जा रहा था और उसने क्राइम सीन पे उसने किया क्या था। इंफॉर्मेशन अपन को उसके शू प्रिंट से या फुटप्रिंट से बहुत से इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि साइज, उसका टाइप, उसका शू मॉडल, उसका वेयर पैटर्न, सेक्स, हाइट, वेट ऑफ द वेयरर। इफ द पर्सन इज कैरिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट इन रनिंग, अगर वो दौड़ रहा है तो उसका कितना हैवी उसने ऑब्जेक्ट कैरी करके रखा है, और नंबर ऑफ सस्पेक्ट, वहाँ पर कितने सस्पेक्ट उस टाइम पे प्रेजेंट थे, ये अपन को पता चलता है। और उनकी कैटेगरीज होती है फुटप्रिंट की, जो कि 3 टाइप में डिवाइडेड होती है, विजिबल, लेटेंट और पेटेंट। विजिबल प्रिंट्स वो होते जो कि अपन को नॉर्मल नेकेड आई से विजिबल हो जाते हैं, जो कि किसी कॉन्टैक्ट में आने पे प्रोड्यूस होते हैं ये फुटप्रिंट्स, जैसे कि डस्ट, सॉइल या फिर ब्लड के कॉन्टैक्ट में आने से ये अपन को सरफेस पे मिलते हैं, और ये नॉर्मली सीन हो जाते हैं अपन को, और उनकी रिकवरी होती है बहुत से टाइप से, जो कि मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कुछ ही देर में। और इनकी रिकवरी इज कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द वैरायटी ऑफ सरफेस एंड मटेरियल डिपॉजिटेड, लाइक डस्ट, डर्ट, सॉइल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सेट्रा। लेटेंट प्रिंट वो होते हैं जो कि 2 डायमेंशनल होते हैं, और जो किसी डस्ट से या वैक्स पॉलिश से या किसी भी कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, जो कि शू प्रिंट के उनके सरफेस में जो अंदर चले जाते हैं, उसके द्वारा ये जो प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं। और 3 डायमेंशनल वो होते हैं जो कि किसी सरफेस में एम्बेड होने पर प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि मड में या सॉइल, सैंड वगैरह में, जो हैवी ऑब्जेक्ट जितनी बॉडी का वेट है उसके अकॉर्डिंग अपन को पता चलता है कि ये कितना हैवी हो सकता था वो सस्पेक्ट या फिर विक्टिम।
ये दो टाइप के कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लास कैरेक्टरिस्टिक वो होते हैं जो कि क्लास में डिवाइड होते हैं, जो ग्रुप एज अ होल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि उसका साइज, स्टाइल, थ्रेड पैटर्न, जो कि उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को बताता है ग्रुप एज अ होल को, नॉट इंडिविजुअल को। और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक वो होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक क्रैक या फिर उसका कट मार्क्स और उसका बियर पैटर्न की हेल्प से हम उस इंडिविजुअल स्पेसिफिक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक कैन बी आइडेंटिफाई हैविंग अ ओरिजिनेटेड विद अ पर्टिकुलर पर्सन और अ सोर्स, किस सोर्स से वो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस होता है वो अपन पता कर सकते हैं। और उनका कलेक्शन, जैसे कि कलेक्शन ऑफ फुटप्रिंट, तीन टाइप्स में अपन कैटेगरीज में कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे इसके बहुत सी कैटेगरी में डिवाइड है ये, लेकिन जो तीन चार मेन कैटेगरी है वो अपन पहले देख लेते हैं। फोटोग्राफी, ऑल द प्रिंट शुड बी फोटोग्राफ बिफोर अटेम्प्टिंग एनी अदर मेथड, बिकॉज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट बाय यूजिंग द अदर मेथड। कोई दूसरी मेथड से अगर अपन किसी कोई दूसरी मेथड से जो यूज़ कर रहे हैं रिकवरी के लिए, उसमें वो फुटप्रिंट डैमेज ना हो, इसलिए अपन फोटोग्राफी यूज़ करते हैं। और फोटोग्राफी करने के लिए हमें 90 डिग्री के एंगल से फोटोग्राफ उसका क्लिक करना होता है, और 90 डिग्री के एंगल क्लिक करने के साथ ही साथ उसमें स्केल भी रखनी होती है, जिससे हम उसका एक्चुअल साइज पता कर सकें और उसकी लोकेशन के किस पैटर्न में एक्चुअल वो था। और उसको उसे देखने के लिए हम उसका फ्लैश के साथ उसको फोटोग्राफ को क्लिक कर सकते हैं, ताकि उसकी क्लियरिटी और अच्छे से उनको पता चल सके कि एक्चुअल उसकी पोजीशन क्या थी। फोटोग्राफी के बाद हम नेक्स्ट कलेक्शन मेथड देखेंगे, ट्रेसिंग ईजीएस्ट मेथड है, जो कि हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। ट्रेस करने के लिए हमें ग्लास पेंसिल या फिर ऑयल बेस्ड पेन हम यूज़ करते हैं, और सेलुलॉइड ग्लास प्लेट यूज़ करते हैं, और जो कि अपन फुटप्रिंट के बहुत क्लोज रखते हैं, इतना भी क्लोज नहीं कि वो उससे कॉन्टैक्ट में आए, लेकिन उसे जितना पास होता है उतना उसके पास अपन रखते हैं। ट्रेस करते हैं फुटप्रिंट को। उसके बाद हम देखेंगे लिफ्टिंग फुटप्रिंट की लिफ्टिंग हम कैसे करते हैं। लिफ्टिंग करने के लिए दो मेथड भी यूज होती है, जो कि ब्रोमाइड पेपर और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी लिफ्ट होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी लिफ्ट जैपनीज पुलिस ने डिस्कवर की थी बहुत पहले, और ब्रोमाइड पेपर में अगर प्रिंट वाइट में है, वाइट फुटप्रिंट है, तो हम ब्लैक ब्रोमाइड पेपर यूज करते हैं, और अगर ब्लैक फुटप्रिंट है तो वाइट ब्रोमाइड पेपर यूज करते हैं। इस ब्रोमाइड पेपर इजीली डिटेक्ट कर लेता है कि वो फुटप्रिंट कैसा है करके। उसके बाद लिफ्टिंग के बाद हम देखते हैं कास्टिंग जो कि बहुत पुरानी मेथड है। कास्टिंग के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, वैक्स या रेजिन सल्फर, ऐसे बहुत सी चीज़ें यूज करके कास्ट कर सकते हैं फुटप्रिंट को। और ये आइसोलेट हुआ था फ्रॉम द फ्रेमिंग एरिया फ्रॉम द सोल्जर बाउंड्री यूजिंग अ प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी जेंटली पोर्ड इन टू अ फ्रेम एंड कैन बी कंसिडर नॉट बी अ बेस्ट टू अ पोर डायरेक्टली इम्प्रेशन। इन सम केसेस वेयर द सर्फेस इज नॉट आइडेंटिकल फॉर कास्टिंग, टेक्निक कैन बी यूटिलाइज टू गेन अ बेटर कास्ट फॉर द इम्प्रेशन। द सैंड कैन बी ऑब्टेन इन फिक्स्ड प्लेस बाय कैरिंग बाय अप्लाइंग एरोसोल रेजिन और ग्लू, ऑल्दो दे स्प्रे ऑब्टेन यूज्ड पेट मड्स एंड कैन बी ड्राइड यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ विपिटिंग वाटर फ्रॉम द सर्फेस एंड अप्लाइंग हॉट एयर ऑब्टेन फ्रॉम हेयर ड्रायर कैन बी यूज्ड। अगर